अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, की हालो फालो सारे सेटो। हो गया टाइम, टाइम हो गया 2:45 हो गई, चेक करो। तो जा रहे हैं, ठीक है, लेट उठे हैं थोड़ी बहुत, तो व्लॉग थोड़ा बहुत लेट हो गया। तो हूँ जासा इंशाल्लाह, तला आ रहे हैं हराना तला, तो मुजम्मल भाई भी आ रहे हैं, तो जाएंगे अभी मोनूमेंट वाली साइड, तो आज आपको चेक कराते हैं मोनूमेंट वाली साइड। वेलकम बैक, आप देखे जी पहुंचे हैं क्यों। ये मार देखा, ये G6 के छोटे मोटे जानते होंगे। हमारे तला भाई भी आके चेक करें आज, माशाल्लाह बड़े तैयार हुए हुए बड़े तैयार हुए आज, क्या चक्कर है, बड़े तैयार हुए हुए आज। आज आप देखो पूरे लश पाश, आज तेल शेल भी मला हुआ है जी, जी जी तेल शेल आज लगाया हुआ, क्या चक्कर है, बाल लंबे कर रहे हैं ना। अच्छा ऊपर वाले नीचे वाले, अरे कहना क्या चाहते हो, ऊपर वाले। अच्छा अच्छा, तो जी भाई अभी जा रहे हैं, बस थोड़ा बाइक शाइक के काम शाम कराते हैं, फिर मिलते हैं आप, ठीक है। हाँ जी भाई, जमील भाई भी आ गए हैं, ठीक है। ये पहले से गार्डन में घूम रहे थे, पहले से हमारे से पहले आए थे, हम थोड़ा काम शाम गए थे बाजार शजार, ये वो इतवार है ना आज, तो बाजार शजार गए चेक करें, आ गए ना फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सुनाओ, फिट हो, सेहत भी ठीक है, हैं जी, किधर घूम रहे हो फिर। अच्छा क्या चक्कर है, मौसम आज बड़ा अच्छा हुआ है, धूप नहीं, रोजा नहीं लगेगा, रोजा लगेगा, कूल ब्रीजेस ब्लोइंग, क्यों जी भाई रोजा लगेगा नहीं लगेगा, अभी आपको जाके फिर मिलते हैं मोनूमेंट पे। तो वी आर बैक भाई लोग, अभी देखिए हम जा रहे हैं मोनूमेंट वाली साइड पे, तो दो रास्ते यहाँ से जाते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, तो हमने यहाँ से राइट होना है, लेफ्ट नहीं होना, क्योंकि लोग लेफ्ट चले जाते हैं, सामने बिल्कुल बोर्ड भी लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट हम जाते हैं, इधर ये चाइना पार्क सेंटर है, ये भी देखें, इधर भी बड़े शोर शोर होते हैं, हम भी आते जाते रहते हैं, तो इवेंट होगा तो आपको भी बताएंगे, आपके इवेंट है तो साथ आपको बिल्कुल जाएंगे, जैसा इवेंट करता है, बुक भी होती है, ओपनिंग लाइब्रेरी भी है इधर, इधर और देखिए ट्रेल यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए हैं, ये बनाने में ट्रेल से बनाने शुरू कर दिए हैं इधर, ये चेक करें एक ये है रास्ता, ये ओपन हो गया लेकिन सही बनाया नहीं, अभी ओपन था पहले लेकिन 23 मार्च के लिए अभी उन्होंने बंद कर दिया है, ये ट्रेल उन्होंने बनाना शुरू किया है, पहले ये बहुत ज़्यादा जंगल था लेकिन अब इन्होंने काटना शुरू कर दिया, बिल्कुल ही खाली होने शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा। वो आज 6 रोज़ है, ठीक है, आज इतवार है, साथ लोगों को छुट्टी भी है, आज लोग मतलब तारीख बंद कर दिया है, इस दिन हम जाएंगे फिलहाल जाएंगे गिरफ्तारी करने के लिए, फिलहाल तक भी आपको रास्ता जिसका बताएंगे कौन सा रास्ता ठीक है, चोर रास्ता आपको दिखाएंगे जिससे आप ट्रैफिक वालों से बच सकते हैं, हेलमेट ना हो कोई मसला नहीं है, हमारा तो कोई रोला नहीं क्योंकि हमारी नंबर प्लेट भी चली लगी हुई है, ऊपर से हेलमेट, ऊपर से हमारा आईडी कार्ड भी है, लाइसेंस भी है हमारे पास, आप लोगों का रोला है, हमारा रोला नहीं है, समझे हो, हम तो इस वादियों ने हमारा रोला कोई भी नहीं है, समझे हो, बाकी आपका रोला आपको चोर रास्ता दिखाएंगे उधर से। एक गाड़ी खड़ी है, ये भी ट्रेल ही है, चेक करें ना, जंगल ट्रैक है, बाकी इधर ये पार्किंग की जगह है इसकी, तो आज मौसम भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, सुबह बहुत धूप थी लेकिन अब मौसम बड़ा अच्छा हो गया और ठंड ठंड सी हो गई है, बाकी ये रास्ता आप देख लेना, ये ना हो कि आप रास्ता बाद में, तो भाई ये रास्ता आपको हम बता रहे थे, ठीक है, ये TKR ऊपर इधर है मोनूमेंट वाली साइड पे, ये जगह ऊपर जाती है, ठीक है, मोनूमेंट वाली साइड पे ये जगह जाती है,
ये ऊपर रास्ता जा रहा है इधर से, लोग गए भी होने ये वो, ऊपर रास्ता जाते हैं इधर, ट्रिप बहुत ज़्यादा आते हैं लाहौर से गुजरांवाला से, गिलगित के लोग इधर आते हैं बड़े दूर दूर से देखने के लिए, मोनोमेंट खाली देखने के लिए। शकरपड़ियाँ इसको कहते हैं, बड़ा ख़ास नाम है। टी के आर रेस्टोरेंट है इधर, हमारे सभी भाई आ रहे हैं। यार जाके बेशक आप टिकटॉक पे भी दिखाते हैं आपको, हर चीज अभी आपको दिखाते हैं। ये जगह है ना, तो चेक करें आप, चेक कर लें इधर, घोड़े छोड़े भी होते हैं, देखें घोड़ों की सवारी होती है इधर। तो बस आगे हम पहुंचने वाले हैं, अभी अंदर जाके फिर आपको अंदर से दिखाते हैं इसको। यहाँ पे देखें झूले वगैरह भी हैं, रमज़ान के बाद यहाँ पे झूले वगैरह ओपन होते हैं, हर चीज़ होती है, खाने पीने की हर चीज़ यहाँ से मिलती है। ठीक है, जैसा कि अभी भी आपको पॉपकॉर्न नज़र आ रहे हैं, लेकिन रमज़ान है खा नहीं सकते। गाड़ी की सवारियाँ भी होती हैं यहाँ पे देख, लेकिन पैसे पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं इसमें। घोड़े आपको दो जगह नज़र आएंगे खड़े हुए, तो ये यहाँ से पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया ये सारा, यहाँ से ये एंट्रिंग होती है, तो चेक करें ये एंट्रिंग यहाँ से। पर्ची वाला सिस्टम मेरा ख्याल ख़त्म हो गया, इधर पर्चियाँ शर्चियाँ ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म कर दी हैं पर्चियाँ यहाँ से, पहले यहाँ से पर्ची मिलती थी। यहाँ से आते जाओ तो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है आगे, उसके बाद ये हम इंटर हो गए मोनूमेंट के अंदर, सामने पाकिस्तान मोनूमेंट टक शॉप है। आते जाएं तो यहाँ पे सब कुछ आपको नज़र आता है, हर चीज़ बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ। हम जब से छोटे थे उस टाइम से ये यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये चीज़ मोनूमेंट आते रहे, मस्ती कर रहे हैं, कॉलेज टाइम भी बड़ा आते रहे इधर घूमते रहे। क्यों मतलब भाई, बिल्कुल इधर ट्रिप भी बहुत आते हैं, बड़े आते हैं इधर दूर दूर से, लाहौर मुल्तान गुजरांवाला हर जगह से ट्रिप आते हैं, बहुत मशहूर जगह इस्लामाबाद की। चेक करें सामने, अच्छे व्यू है आपको दिखाते हैं, व्यू आपको अभी सारे दिखाते हैं। सामने पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है, लेकिन छोटा लगाया हुआ है। यहाँ से ऊपर जाओ तो अभी आपको पूरा मोनूमेंट चेक कराते हैं। क्या अंग्रेज भी आ रहे हैं इधर? ठीक है, चलिए गल है, अंग्रेज़ों को आज हमने बुलाया है, हमने कहा हम आ रहे हैं आज, तो आ जाए आप भी। कोई चक्कर नहीं, आपको भी इफ्तारी करा देंगे आज। ये चेक करें आप व्यू, खाली खाली व्यू आप चेक करें, कितना खूबसूरत है। ये मोनूमेंट है मुज़म्मिल भाई, आपको नज़र आ गए होंगे, चेक करें सारा। आपको पूरा यहाँ का विज़िट कराएंगे, ठीक है। तो भाई अब आपको पूरा पूरा व्यू दिखाते हैं, चेक कराते हैं व्यू इस्लामाबाद का, चेक करें। ये I-8 है सामने, वो आपको नज़र आ गया होगा, वेदर का हेडक्वार्टर है ये सामने, ठीक है। अभी आपको सारा मुज़म्मिल भाई बताएंगे A-Z। सामने सेंटोरस की बिल्डिंग है, सेंटोरस नज़र आ रहा होगा, ये सामने G-8 है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है वो सामने बिल्कुल, यहाँ से हर चीज़ नज़र आ जाती है। ग्रेवयार्ड है वो सामने नीचे करके,
तो सारी जगह यहाँ पे चेक करें आप, खाली व्यू चेक करें। फैसल मस्जिद भी थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आ रही होगी। फैसल मस्जिद भी इंशाल्लाह जाएंगे, फैसल मस्जिद बहुत जल्दी जाएंगे, तो आपको वहाँ पे जाके उसका भी विज़िट कराएंगे और पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होती है। हमारा एक दोस्त भी है वहाँ के इंचार्ज हैं एहसन भाई, तो उनसे भी आपको जाके मिलवाएंगे वहाँ पर। यहाँ से कुछ बेहतर नज़र आ रही है, देखिए नज़र आ रही होगी। तो भाई आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे लिफ्ट भी लगी है लेकिन चलती नहीं है। पाकिस्तान दिस इज ब्रो, पाकिस्तान सीधा लिफ्ट नहीं चलती यहाँ पे, बस यहाँ पे यही है। वो देखें जी आपको गोरे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, गोरों को बुलाया हुआ ना, ख़ास अपने लिए बुलाया हुआ है, अपने लिए इसलिए बुलाया हुआ है, इनवाइट किया हुआ है इनको, इनवाइट ना करें नहीं आते ये, कभी भी नहीं आते ये। तो भाई ऊपर से आपको सारा क्लियर दिखा दिया है, ठीक है, रोज़ा भी है, तो रोज़े की तो खैर है क्योंकि सवाब का काम है बहुत ज़्यादा रोज़ा रखना, सब भाई रखा करें रोज़ा, ठीक है। अब भी हमने आपको ऊपर से सारा दिखा दिया है, अब आपको यहाँ से नीचे से चेक कराते हैं, नीचे से देखें, यहाँ से बहुत खूबसूरत है ये जगह। सेफ सिटी के कैमरे भी लगे हुए हैं ऊपर, ये चेक करें इतने दूर, क्योंकि सेफ सिटी वाले यहाँ पे देखते हैं हर बंदे 24 घंटे यहाँ पर निगरानी होती है। ये लें चेक करें, यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ से व्यू, आपको हर तरफ का व्यू आएगा यहाँ से, इधर से हर कुछ नज़र आता है। सामने आपको रोड सामने बिल्कुल नीचे है, वो भी आपको नज़र आ जाएगी, वो भी आपको दिखाते हैं, ये चेक करें। चला भाई भी आ गए और जमील भाई भी, सेंटोरस यहाँ से आपको दिखा, सेंटोरस देखें यहाँ से, ये भी सेंटोरस की बिल्डिंग, मैन कश्मीर आई भी है ये नीचे सामने जा रहे हैं। अभी रमज़ान है इसलिए सेंटोरस जा नहीं सकते, तो आपको बर्गर शर्गर वहाँ से KFC चेक करवाते कि क्या बाइकोट है, बल्कि KFC का बाइकोट है, कुछ और जाके OPTP जाते, ठीक है, आपको रेट भी बताते सारे, हर चीज़ वहाँ पे आपको दिखाते, कैसी चीज़ है, अच्छी बनाते नहीं बनाते वो आपको बताते। तो ये सारी बातें हैं, अभी आपको सारा यहाँ का दिखा दिया है, आपको उधर नीचे भी जाके चेक कराते हैं। तो चेक कर लेंगे जगह, यहाँ पे पार्किंग की जगह है, यहाँ पे भी घोड़े छोड़े खड़े हुए, ठीक है। ये देखें बिल्कुल लो हुआ हुआ है, लगता है इसका भी रोज़ा ही है आज। हमारी मर्सिडीज़ भी खड़ी हुई है, ये मैंने हाँ सर्विस कराने जा रहे हैं, मैंने बोला था, मैंने क्या सर्विस करा देनी है, सर्विस कराएंगे तो ठीक होगा काम, ठीक हो गया नहीं तो। ये जगह है और अपनी लारी आ गई है जिस पे आपको पता है आते जाते हैं, अभी लॉक शक करेंगे इसको, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पूरी कैंटीन भी है, हर जगह हर चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बच्चों के लिए खेलने की जगह भी है यहाँ पे, आपको पीछे झूले भी दिखाएंगे उधर, यहाँ से पीछे पैदल चले जो आगे TKR है, तो आप अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो भाई TKR ताहिर खान रेस्टोरेंट आपको भी दिखाते हैं, सिटिंग एरिया भी इनका दिखाते हैं और बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। ज़रा ये देखें, ये आ गया, ठीक है, आपको यहाँ पे चेक कराते हैं पूरा, ये है TKR रेस्टोरेंट, ठीक है, ये सिटिंग एरिया इनका सारा, यहाँ से आप आए, ठीक है, बैठे हैं, सिटिंग एरिया पूरा यहाँ पे, बुफे लगे हुए हैं, और आज हम अफ्तारी इधर ही करेंगे TKR पे, लेकिन हम सहरी रफ्तारी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं, करते हुए दिखाते नहीं है क्योंकि हम आराम से करते हैं अफ्तार। अफ्तार बुफे यहाँ पे पूरा लगा हुआ है, पूरा यहाँ पे अफ्तार बुफे लगा है, लोग आते हैं अफ्तारी करते हैं, और बड़ा अच्छा इनका सिटिंग एरिया और मेन्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग भी हैं ये। बाकी ये देखें ना, पार्क बना हुआ है इधर सामने बिल्कुल करके,
जब बड़े बड़े ये देखें टिकटॉकर भी कोई आए हैं, टिकटॉक आज के बनाते हैं ना, और टिकटॉक वाले सब सब के अंदर ही होता है थोड़ा बहुत कीड़ा। कुड़ी है या जाकत है समझियो हर बंदे में, बाकी आप चेक करें। रास्ता है ये ऊपर आगे जाने का, तो आपको ऊपर जाके मिलते हैं। तो भाई आपको बोला था, अभी बताया था, आगे जाके आपको मिलते हैं, जगह दिखाते हैं, चेक करें ये जगह कितना यहाँ पे सुकून है, कितनी सुकून वाली जगह है, चेक करें आप। खाली ग्रीनरी खाली देखें, नीचे यहाँ पे देखें कितना अच्छा है यहाँ पे। सामने आपको अपारा मार्केट भी नज़र आ रही होगी, ये अपारा मार्केट हम टीवी है, और सामने स्टेडियम भी आपको नज़र आ रहा है जो आपको रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन से दिखाया था, अब आपको मोनोमेंट से दिखा रहे हैं। जगह बड़ी अच्छी है, शकरपड़ियाँ हैं, बड़ी लोग आते हैं इधर, लेकिन रास्ता नहीं पता होता, तो इसलिए हमने कहा आपको सब रास्ते दिखाएंगे कि कौन कौन सा रास्ता किधर किधर से आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, और कोई वजह नहीं है कि हमने देखा हुआ नहीं है ये वो। हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं, कितनी दफ़ा हम आ चुके, कितनी सौ दफ़ा कह लो हम आ सकते हैं, इधर आए हैं, घूमें फिरें, लेकिन ये आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता चलता। अक्सर लोग आते हैं, नहीं पता होता रास्ता, पूछते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, समझ नहीं लगती उनको। हार्ट एंड विलेज है नीचे, ये हार्ट एंड विलेज है नीचे, हार्ट एंड विलेज है नीचे, ये सामने बिल्कुल डैम है, रावल डैम, वो डैम है सामने बिल्कुल, वो डैम है सारा, उधर भी जाएंगे आपको दिखाएंगे, उधर हमारा दोस्त रहता है सालिफ, उसकी साइड भी जाएंगे ना, तो आपको प्रो एडिटर हमारा सालिफ शाह जी वो उधर रहता है, हम जब उधर जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे सारा एरिया। ठीक हो गया भाई, अभी आपको यहाँ से बाहर निकल के मिलते हैं फिर। तो हाँ जी भाई, ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ौज आई हुई है, फ़ौज खड़ी क्योंकि 23 मार्च आ रही है, 23 मार्च के तरफ से यहाँ पर इनके कैंप लगे हुए हैं फ़ौज के, इधर खड़े हुए वो सामने इधर कैंप वहाँ पर भी हैं, और परेड ग्राउंड भी इधर पास में है, इसलिए यहाँ पे फौज खड़ी है, सामने परेड ग्राउंड है यहाँ पे, इसलिए ना क्योंकि 23 मार्च है, ऊपर जहाज उठते हैं वगैरह वगैरह, तो इसलिए हर जगह पे स्टंट करते हैं, रिहर्सल होती है, इसलिए यहाँ पे फिर आर्मी खड़ी होती है, सिक्योरिटी का बहुत सख्त यहाँ पे इंतज़ाम हैं क्योंकि छोड़ते नहीं हैं 23 मार्च को ख़ास कर। ये चेक कर रहे हैं हमारे भाई खड़े हुए इधर, ड्यूटी है इनकी, माशाल्लाह वाजवा सुभान अल्लाह, इधर क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए, होनी भी चाहिए क्योंकि जंगल भी बहुत है यहाँ पे, और कुछ पता नहीं चलता किसी टाइम पे कुछ हो सकता है, बुरे वक्त का कोई नहीं पता। मिलते हैं आपको नीचे जाके। हाँ जी भाई, लोग नीचे भी झूले लगे हुए थे मोनूमेंट वाली साइड पे, उस साइड पे बच्चों को ला सकते हैं, यहाँ पे आप खेल सकते हैं बच्चे, यहाँ पे क्योंकि झूले भी लगे हैं, हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड है, हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं, हर चीज़ है यहाँ पे, आपको यहाँ पे हर चीज़, हर छोटी जगह बड़ी जगह सारी जगहें आपको दिखाई हैं। ये छोटी अभी ड्रैगन कश्ती को कहते हैं, ये भी छोटी है, और वो हमारे रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन में बड़ी कश्ती है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो तो एक सांस बंद कर देती है, बैठा उसके ऊपर सांस बंदी का बंद हो जाता है। वहाँ पे दूसरे झूले भी हैं, ये रमज़ान की वजह से मेरे ख्याल है इन्होंने बंद किए हैं अभी, वो सामने एक और झूला है वो भी ऑन होता है, बच्चे देखें अभी भी यहाँ पे आए, रमज़ान है तब भी आराम नहीं है ना, बच्चे हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, इसलिए फिर आपको पता है अगली चीज़ से। तो भाई चंद तारे पहुँच रहे हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा था निकल आए, चंद तारे पहुँच रहे हैं अभी आपको, चंद तारे देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये चंद तारे रोड है, आपको फर्स्ट ब्लॉग में भी दिखाया था पूरा ये रोड है, ये चंद तारे वाला रोड है, ये पूरा चंद तारा है,
इसको जंतारा कहते हैं। ठीक है, ये ना बाकी का जैस्मीन गार्डन वापस जा रहे हैं। ये नहीं सोचना कि आवाज़ कब आ रही है, ये थोड़ा सा डाउन हो गया ना रोजे की वजह से, बोल बोल के भी और आगे पीछे इतने डाउन हो गए बिल्कुल। यहाँ पे देखें रमज़ान में भी क्रिकेट चल रही है फुल, भाई हमारे सारे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, चेक करें तो पता लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको पूरी सुबह तक हम लोग एडिट करके रात को सुबह आज हमारा ब्लॉग करना दूसरा पैर था जो लोग का है ये वो सुबह का रात को फिर 11 बजे फिर गार्डन वाली रोड पे आ गए हैं, गार्डन वाली रोड पे भी हम आ गए हैं। भाई आपको बताया था पहुंचे आए रोज़ जैस्मीन गार्डन और यहाँ पे हमारे भाई बहुत प्यारे भाई शानी भाई बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें मिले इस टाइम क्यों शानी भाई क्यों सुनाए ठीक है सच में ठीक है, किधर किधर आए में क्या चक्कर है? बस यहाँ वॉक चेक करने वॉक चेक रमजान में केड़ी वॉक क्या कही अभी बताए ना इतना कहते हैं पेट बाहर रहा है कुछ भी नहीं है। नहीं असल में केड़ी कोई नमाज शमाज पढ़नी है। अच्छा नमाज शमाज पढ़ी है तो और सुनाओ मेरी जानी ठीक है? फिरोज जानी यार है ना मेरे किधर से गोटियां छोटी वीडियो छोटी थोड़ी सी बनाई है मोनोमेंट वाली साइड की। ये क्या क्या व्लॉग बना रहे हैं हम छोटा? हाँ व्लॉग बना रहे हैं इसलिए हमने क्या आपको भी बीच में आप भी होगे। अच्छा आप हमारे पार्टनर पीछे बन जाओ कोई मसला नहीं है। शानी भाई की गाड़ी का नंबर है चेक करें 5 क्यों जी पाँच नंबर पाँच तनी पाँच तनी ठीक हो गया भाई। आप हमारे रोजे आपके कैसे रोजे जा रहे हैं? कितने रोजे आपके गुजर हमारे 6 रोजे मेरे 9वां रोजा है 9वां रोज रोजा देखें जी 9वां रोजा इनका जा रहा है। असल में ये सऊदी अरब से भी ज्यादा आगे जा रहे हैं इस टाइम तो इंजीनियर हैं नौकरी अभी नहीं मिल रही। हाँ, गुड नौकरी अभी नहीं मिल रही इनके लेवल की। असल में नौकरी अभी तक कोई नहीं आई तो अभी आने लगी थी इमरान खान लेके आ रहा था इनके लेवल की नौकरी लेकिन मिली कोई नहीं है। वो खान की तस्वीर भी देख सकते हैं भाई किधर 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 लगी है गाड़ी पे देख रही वो उस गाड़ी पे वो सामने गाड़ी पे खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। ये इधर बैठ के दूर दूर से देख रहे हैं तस्वीरें। अब इनको क्या कहें खान साहब तो अब अंदर हो गए हैं अब इनको किया जाए कोई अंदर नौकरी शोकरी नहीं मिल रही क्या कुछ करना चाहेंगे आगे बताएं कोई नौकरी शोकरी के बारे में? अपनी नौकरी कर रहे हैं लेकिन हमें उस तरह जॉब नहीं मिल रही जैसे हम चाह रहे हैं। किस तरह की चाह रहे हैं आप? रमज़ान दुआ शुआ करें कोई नौकरी शोकरी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी? नहीं नहीं हमने रमज़ान में ना बहुत दुआएं की है। अच्छा मैंने पीर हमारे साथ एक पीर हैं पीर हबीब। अच्छा पीर हबीब साहब मुगल साहब हबीब हबीब दौन पीर उनसे दुआ कराइए वो कहते हैं कि आपके सितारे अब गर्दिश में हैं। अच्छा 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 लेकिन करीब आप देखेंगे क्या बनता है दुआ तो उन्होंने फरमाई है आप देखें लेकिन हमारा पूरी कोशिश है कि उनके पास जाए उनकी हमने मुरीद हुए अब देखें क्या बनता है आप खुद ही देख सकते हैं। वो छपकीली मस्ती का रहे हैं छपकीली ये सामने वाली ये क्या चक्कर है छपकली आओ ना कोई छपकली के साथ चलें कोई शुगर मेरा कोई हल्का फुल आओ ना आओ चलें जरा अब क्या अब रोजा है कोई गुजारते हैं ना गालियां निकाल रहे हैं मुझे पता है वो देख उसके मुंह की क्या कर रहा है जिससे आप कोशिश करें बचे बच जाए ठीक है ना ये क्या किड़े साइज से बैठा हुआ है कुछ समझ लग रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं, ठीक हैं। और सी कहानी है? अच्छा, ये भी मुस्लिम है ना? मुस्लिम है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, आपने क्यों बताया तो। अच्छा, पता नहीं, पहले पता नहीं चला। जी, आप एक बकवास करें इसकी तरफ कर को। क्या क्या बोलें? कोई बोलो। रोजा मेरा खराब है। नहीं, रोजा तो रखा तो खराब होना कैसे? रोजा खराब हो जाए? रोजा इससे हम छानी फुल फॉर्म में आया, इसको रोजा नहीं लग रहा। किधर जा रहे छानी? इधर है। अच्छा, चलो फिर, चलो ठीक है फिर, ओके फिर मिलते हैं, ओके अल्लाह, गली में फिर मिलते हैं, आते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ओके अल्लाह। चानी भाई जा रहे हैं, ओके जी चानी भाई। तो हाँ जी भाई, इफ्तारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए काम थे शेरा, चलिए फिर काम थे। व्लॉग मुकाइए ना, आज बहुत थक गए हैं जी, समझे हो, आज बहुत ज़्यादा रोज़ा लग गया। चलने हूँ जाके एडिट शडिट करिए थोड़ा बहुत, तो रात को इंशाल्लाह व्लॉग आ जाए तुसा कोल। तो ठीक है, सारे भरावां नूं अपना ख्याल रखो, तो सुबह रोज़ा फिर रखो, सतवां रोज़ा है। ए ना हो भुल जाओ सतवां रोज़ा है, सवेरे अच्छे पूरे हो गए। हाँ जी, पता नहीं लगना ना किसे नूं। जो राणा जी कहेंगे वो सही कहेंगे। हाँ जी, ठीक हो गया। तो सारे भरावां नूं लव यू। ठीक है, असी जा रहे हैं कम ते, ठीक है, वड़ा लव यू सारे दे तरफ। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफ़।